मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल, राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए दोस्तों, आज हम प्रेम माधुरी कविता के पद संख्या 7 से अध्ययन आरंभ करते हैं। पिछली वीडियो में आपने जाना है कि गोपियां श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम करती हैं, उनके रंग में रंगी हुई हैं। समय अपनी गति से चलता है और श्री कृष्ण को कंस वध के लिए मथुरा जाना पड़ता है। वहां श्री कृष्ण का परिचय उद्धव से होता है, जिसे योग और निर्गुण ब्रह्मा पर बड़ा अभिमान होता है। श्री कृष्ण उसे पूर्ण बनाने के लिए प्रेम और भक्ति का महत्व भी समझाना चाहते हैं। इसलिए गोकुल की ग्वालिन गोपियों के पास उसे अपना योग संदेश लेकर भेजते हैं कि जाओ और गोपियों को भी योग सिखा दो, ताकि वो प्रेम की पीड़ा से मुक्त हो सकें। उद्धव गोपियों के पास पहुंचता है और जो उनके प्रेम का रंग देखता है, महसूस करता है, तो वह भी प्रेम और भक्ति के रंग में रंग जाता है। यहाँ गोपियाँ उद्धव से योग और निर्गुण ब्रह्मा का संदेश पाने के बाद उसे व्यर्थ सिद्ध करने में अनेक तर्क देती हैं और उन तर्कों का उत्तर उद्धव के पास नहीं होता है। अंत में गोपियाँ श्री कृष्ण से भावुक होकर बड़ी सादगी से प्रश्न करती हैं कि प्रभु आपने इसे क्यों भेजा, क्योंकि हम तो आपके रंग में रंगी हुई हैं। और इसी प्रकार का भाव व्यक्त करते हुए इन्होंने भ्रमर गीत के पदों का सहारा ले कवि ने उनकी मन की स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। तो पद संख्या 7, यह संग में लागिए डोलई सदा, बिन देखे न धीरज आनती है, छिनहु जो वियोग परे हरिचंद, तो चाल प्रलय की सुठानती है, वरुणी मैं पिरई न झपई उझे पे, पल मैं न समाई वो जानती है, पिए प्यारे तिहार निहार बिना, अखियां दुखियां नहीं मानती हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी नामक कविता से लिया गया है। संदर्भ। कवि ने भ्रमर गीत को आधार बनाकर गोपियों के एक निष्ठ और अनन्य प्रेम भाव को यहाँ दिखाने की कोशिश की है। गोपियाँ श्री कृष्ण को संबोधित कर कहती हैं कि सरलार्थ, यह अर्थात मेरी आँखें, संग साथ, मैं में, लागिए लगी हुई, डोलें घूमती हैं सदा हमेशा, बिन बिना देखे देखे ना नहीं, धीरज धैर्य आनती लाती हैं, महसूस करती हैं कि हे प्रभु श्री कृष्ण, हमारी इन आँखों को बड़ी अनोखी आदत पड़ गई है, यह तो हमेशा आपके पीछे पीछे या आपके साथ घूमती रहती हैं, और पल भर यदि आप इन्हें दिखाई न दो तो इन्हें धैर्य नहीं आता है, अर्थात इनको शांति नहीं पड़ती है और ये बेचैन होने लगती हैं। छिनहु एक क्षण, पल भर के लिए, जो यदि वियोग बिछुड़ना परई पड़ जाता है, हरिचंद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, तो फिर चाल, यहाँ चाल चलने वाली चाल नहीं है बच्चों, यहाँ चाल है स्थिति, अवस्था,
प्रलय, प्रलय कौन सी अवस्था है आप लोगों को मालूम होगा, जब पूरी पृथ्वी जल से डूब जाएगी और पानी बहुत ऊंची ऊंची हिलोरे लेगा तो उसे प्रलय कहते हैं। की सु अच्छा, दृढ़ मजबूत, ठानती हैं, निश्चय कर लेती हैं, निर्णय ले लेती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, गोपियां श्री कृष्ण से बोली कि हे प्रभु, यदि एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी इन आँखों को आपसे बिछुड़ना पड़ जाता है तो हमारी ये आँखें प्रलय का रूप धारण करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेती हैं। कहने का अभिप्राय है कि इन आँखों में आंसू इस प्रकार उमड़ उमड़ कर आते हैं कि उन्हें संभालना संभव नहीं होता। अर्थात पल भर आँखों से आंसुओं की वर्षा होने लगती है। बरुणी, बरुणी होती है बच्चों आँखों की बरोनिया, आप समझ लीजिए पलक। में मा, पिरई स्थिर रहना, रुक जाना। ना नहीं, झपई झपकती हैं। उजपई तुरंत खुल जाती हैं। मैंने सबाई वो जानती हैं कि आँखों की पलक में समाना नहीं जानती है कौन, आँखें। कि गोपियाँ कहती हैं, प्रभु हमारी ये आँखें तो पलकों में समाना ही नहीं जानती हैं, यदि पल भर हमारी आँख लग भी जाती है तो तुरंत खुल जाती है और फिर दुखी हो जाती हैं, फिर आँखों से आंसू बहने लगते हैं। पिए प्रियतम, प्यारे श्री कृष्ण तिहार आपके, निहारे देखे बिना बिना अखियाँ हमारी आँखें, दुखिया दुख में डूबी हुई नहीं नहीं मानती हैं, समझने या समझाने पर भी नहीं समझती हैं। कि हे प्यारे श्री कृष्ण, इन आँखों को आपके दर्शन की ऐसी लत लग गई है, ऐसी आदत पड़ गई है कि अब ये आपको देखे बिना दुखी रहती हैं, और कितना ही समझाओ एक पल को शांत नहीं होती हैं, एक पल के लिए भी समझाने पर भी नहीं समझती हैं, हमेशा आपको देखना चाहती हैं, आपके दर्शन करना चाहती हैं। कवि के कहने का भाव यह है कि गोपियां हमेशा श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं, उनके निकट रहना चाहती हैं, उनकी आँखों को श्री कृष्ण को देखे बिना चैन नहीं आता है। विशेष गोपियों के श्री कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ भाव, प्यार प्रेम का भाव प्रकट किया गया है। गोपियां श्री कृष्ण के सिवा जग में कुछ देखना नहीं चाहती। शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। मुहावरों का प्रयोग होने के कारण लक्षणा शब्द शक्ति है। दृश्य बिंब है, सवैया छंद है, गेय शैली है। यहाँ अनुप्रास अलंकार है, संबोधन अलंकार है, स्वभावोक्ति अलंकार है और विनयोक्ति अलंकार है, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण से विनम्र निवेदन कर रही हैं। सवैया आठ, व्यापक ब्रह्म सबैथल पूर्ण है हम हों पहचानती हैं, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा हरिचंद न ज्ञान ही ठानती हैं, तुम ऊधो यह कईयो उनसो हम और कछु नहीं जानती हैं, पिया प्यारे तिहारे निहारे बिना अखियां दुखिया नहीं मानती हैं। प्रसंग पूर्ववत संदर्भ, यहाँ वही भ्रमर गीत को आधार बनाकर कवि ने गोपियों के विरह का वर्णन किया है। इस पद में गोपियाँ
उद्धव को कहती है कि सरलार्थ व्यापक फैला हुआ विशाल विस्तृत ब्रह्म ईश्वर सभी सारे थल पृथ्वी पूर्ण फैला हुआ है पूर्ण है। हम पहचानती हैं ये जानती हैं कि हे उद्धव आपने जिस पार ब्रह्म का वर्णन किया है हम उसे बहुत अच्छी तरह पहचानती हैं कि वो सारी पृथ्वी में फैला हुआ है समाया हुआ है, लेकिन वो है कौन? वो हमारे प्रभु श्री कृष्ण ही हैं। परंतु बिना नंदलाल नंद बाबा के बेटे बिहाल माने बेहाल व्याकुल सदा हमेशा हरिचंद कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र ना नहीं ज्ञान ही ज्ञान को ठानती हैं जानती हैं और मानती हैं कि परंतु हे उद्धव चाहे तुम्हारा कण कण में व्याप्त ईश्वर हो या कोई और हो हम सब अच्छी प्रकार से जानती हैं, परंतु हमारा मन हमारी आँखें श्री कृष्ण के बिना नंदलाला के बेटे श्री कृष्ण के बिना हमेशा बेहाल रहती हैं व्याकुल रहती हैं। तो कवि कहने लगी कि कवि के अनुसार गोपियां कहने लगी कि हम सब ज्ञान जानती हैं लेकिन हमारा मन उस अजर अमर कण कण में व्याप्त ब्रह्मा के ज्ञान को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हम श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और को ईश्वर और किसी और प्रकार के ज्ञान से हमें कोई लेना देना नहीं है। तुम उद्धव उद्धव यह इस प्रकार से कईयो बता दियो उनसो श्री कृष्ण से हम गोपियां और दूसरा कछु कुछ नहीं जानती हैं कि हम तो उनके सिवा किसी और को नहीं जानती हैं कि हे उद्धव तुम जाकर मथुरा में श्री कृष्ण को कह देना कि हम तो उनके सिवा किसी अन्य को नहीं जानती हैं और ना ही किसी को कुछ मानती हैं। प्रिय प्रियतम प्यारे श्री कृष्ण तिहारे आपके निहारे देखे बिना अखियां आंखें दुखिया दुखी नहीं मानती हैं नहीं समझती हैं कि हे प्यारे श्री कृष्ण आपको देखे बिना तो हमारी आंखें दुखी हो जाती हैं और समझाने पर भी कुछ समझने को तैयार नहीं होती हैं। एक बार फिर पूरे पद की व्याख्या कर रही हूँ, ध्यान दीजिए साथियों कि गोपियां उद्धव से कहने लगी कि हे उद्धव आपने हमें जिस ब्रह्मा के विषय में बताया है वो अजर है अमर है कण कण में फैला हुआ है, हम भी इस सत्य को बहुत अच्छे से जानती हैं, परंतु क्या करें, हमारा मन हमारी आँखें श्री कृष्ण जो नंद बाबा के बेटे हैं के बिना बेहाल हैं व्याकुल हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहने लगे, गोपियां बोली कि हम तो केवल इसी एक ज्ञान को जानती और मानती हैं कि हमारा श्री कृष्ण है और समूची पृथ्वी में वही समाया हुआ है। कि हे उद्धव अब तुम जाओ और मथुरा में श्री कृष्ण से कह देना कि हमें किसी और के बारे में कुछ और जानने की आवश्यकता ही नहीं है। कह देना कि प्रभु आपको देखे बिना तो हमारी आंखें दुखी हो जाती हैं और ये आपके दर्शन से ही सुखी हो सकती हैं, इनको हम लाख समझाएं तो भी ये समझने को तैयार नहीं है। अर्थात गोपियां कहती हैं कि हमें केवल और केवल श्री कृष्ण से प्रेम है, उन्हीं से लगाव है और उन्हीं की परख है, उनके सिवा हमें संसार में कुछ और नहीं चाहिए। कवि के कहने का भावार्थ यह है
कि गोपियाँ केवल श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं और वो चाहती हैं कि उनके विरह वर्णन को केवल श्री कृष्ण समझे, महसूस करें और उनकी विरह की पीड़ा को हमेशा के लिए समाप्त कर दें, दूर कर दें। विशेष यहाँ गोपियों ने निर्गुण ब्रह्मा की अपेक्षा सगुण श्री कृष्ण को श्रेष्ठ बताया है, उत्तम बताया है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग है, वियोग श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है, सवैया छंद है, गेय शैली है, दृश्य बिंब का आयोजन है, अनुप्रास, विनियोक्ति, संबोधन आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग है। बच्चों, संभवतः आपको सब विषय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। पिछली वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस विषय के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए आभार, धन्यवाद। आपका जीवन और दिन मंगलमय हो, शुभ हो, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद, आभार।